हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रिया लक्ष्मी बालाजी सेलर। आज हम बटर ग्रे रोस्टेड की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू फ्रेश बल्क ओपन हो गया है बटर ग्रे रोस्टेड का। और ये जो बटर ग्रे, इसमें ना शाइनिंग है, आप देखेंगे एक साइड में ये डबल रोस्ट बटर ग्रे है और इसमें शाइन है। ये वाला बटर ग्रे बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन स्टॉक में कभी कभी आता है। ठीक है, डबल रोज बटर ग्रे होती है, लेकिन जो शाइन चाहिए ना, तो वो कभी कभी स्टॉक में आता है। ये देखिए, ये भी फुल क्रंची होती है बटर ग्रे की। ये बात बहुत अच्छी होती है कि ये फुल ऑन क्रंची होता है, सॉफ्ट होता है, लेयर वाली होता है, अर्धी होता है। लेकिन ये ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये चिपकता है खाते टाइम। तो इसको ना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ऐसे छोटे बड़े भी चंक्स खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये टूटता है, इसलिए लोग बड़े बड़े साइज़ में ऑर्डर करते हैं। कोई लोगों को क्रम्बल भी पसंद है, तो वो ये ऑर्डर करते हैं। तो उसको छोटे छोटे पीसेस में खाना चाहिए, तो ये फटाफट माउथ में मेल्ट होता है और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। जो हमारी वाली बटर ग्रे है, बिल्कुल भी गमी नहीं है। ठीक है, जब इसका रोस्टिंग होता है तो ये देखिए, ये वाले जो पीस होते हैं ये सॉफ्ट में होते हैं, जैसे अपना हाफ रोस्ट होता है वो वाला। और ये जो होता है, जैसे कि ये फुल रोस्ट वाला मान लीजिए, ठीक है, इसका रोस्टिंग ये ज़्यादा हो चुका है। ओके, और ये कुछ ऐसा होता है कि आगे पीछे से वाइट है और एक साइड में ऐसा ब्लैक होता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये टेक्सचर में भी आप देखेंगे तो अलग अलग आपको दिखाई देगा बटर ग्रे। ठीक है, ये भी जाएगा डबल रोस्ट बटर ग्रे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऐसे ये जो चंक्स है, इसमें लेयर लेयर में ये घुलती है, लेयर लेयर में निकलती है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे इसको तोड़ेंगे, वैसे वैसे इसकी लेयर निकलेंगे। ऐसा टुकड़ा इसका नहीं पड़ता, जैसे बाकी रेगुलर अपना जो क्ले होता है उसका चंका निकलता है, इसके लेयर निकलते हैं। यही इसकी पहचान है बटर ग्रे की। ये देखिए, ऐसे लेयर में टूटेगा और टूटते टूटते वो ऐसा आपको अंदर में इस तरह का रोस्टिंग मिलेगा। तो वही जब मिट्टी का बैग आती है, तो वो बहुत ऐसा, मतलब कहीं कहीं जगह पे वो लोग ऐसे गिराते तो ये हो जाता है, उसमें ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण ये साइड ऐसा हो जाता है। तो ये और ऐसा चंक्स सब एक ही प्राइस में आपको मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा पाउडर चूरा नहीं आएगा आपको। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रंची में है और बहुत ज़्यादा अर्दी है, और फ्रेशली रोस्टेड की तो बात ही अलग होती है। जो भी मिट्टी है, जो फ्रेश रोस्ट होती है, उसका बात ही अलग होता है, जो काफ़ी टेस्ट में अच्छा होता है। तो अभी बटर ग्रे किसको पसंद आएगा उसकी बात करते हैं। जिनके दांत सेंसिटिव हो चुके हैं, जिनको खाने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए नॉन रोस्टेड, लेकिन क्रंची वाली नॉन रोस्टेड और बटर ग्रे। हालांकि बटर ग्रे हमें भी पसंद नहीं था, लेकिन अभी अच्छा लगने लगा है बटर ग्रे, क्योंकि ये एकदम स्मूथ होता है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं होता है, किरकिरापन नहीं होता है। मेन चीज़ हाफ रोस्ट और फुल रोस्ट खाने में जो मज़ा आती है, लेकिन उसका स्टॉक ज़्यादा मिलता नहीं है। दूसरी ऐसी बात कि वो उसमें ग्रिटनेस हो जाती है कभी कभी, और वो हार्ड भी हो सकता है, लेकिन बटर ग्रे ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा। तो टेक्सचर की अगर बात करें, तो उसमें रेड भी है, ब्लैक भी है और येल्लो भी है। ठीक है, ये देखिए, येल्लो भी है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा, कोई मांगते येलो करके जो मिल जाएगा, किसी को ऐसा शाइनिंग वाला बटर ग्रे चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, एकदम अर्दी है, फुल ऑन क्रंची है। तो थोड़ा सा क्रंच वीडियो तो इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे, उसके लिए थोड़े से जो चंक्स है ऐसे उसको साइड में हम कर देंगे। ठीक है, और रेड वाला बहुत ज़्यादा गजब टेस्ट में है, बहुत इसको डिमांड है, बहुत कस्टमर पूछ रहे हैं रेड बटर ग्रे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, रेड बटर ग्रे भी काफ़ी आया हुआ है स्टॉक में। ये देखिए, ये वाला जो टेक्सचर होता है बटर ग्रे का, ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, इट्स अ वेरी यमिशियस। ठीक है, हम उसके टेस्ट के बारे में अलग से बात करेंगे जब हम क्रंच वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, जिनको चाहिए ऑनलाइन पेमेंट सर्विस करिए, और एड्रेस सेंड करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, रेगुलर प्राइस में आपको ये अच्छी वाली बटर ग्रे मिल जाएगी। थैंक यू एंड बाय फ्रेंड्स।